हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी का ऐलान, हर भारतीय को मिलेगा कोरोना टीका, कोई नहीं छूटेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन भारत में उपलब्ध होगी वो प्रत्येक नागरिक को मुहैया कराई जाएगी, कोई भी भारतीय टीकाकरण से छूटेगा नहीं। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक 80 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देश और विदेश में इसकी कई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेजी अखबार के साथ हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन पर काम चल रहा है। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सरकार ने समय पर फैसले लिए और लोगों की मदद से काफी जान बची है। लॉकडाउन लगाने और फिर अनलॉक की प्रक्रिया में जाने की टाइमिंग पूरी तरह से सही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी भी कोरोना वायरस का संकट बरकरार है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। त्योहार के दिनों में लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये मौका किसी भी तरह से ढील देने का नहीं है। सरकार एक स्वास्थ्य योजना के तहत कोरोना टीकाकरण का अभियान चला सकती है। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोरोना की वैक्सीन जब भी बनेगी हर किसी का टीकाकरण किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत में कोरोना के खतरे के सबसे नजदीक मौजूद लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स शामिल होंगे। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी से ही वैक्सीन उपलब्धता को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, ताकि समय आने पर पूरे देश में वैक्सीन मुहैया कराई जा सके। एक अनुमान के अनुसार सरकार ने देशवासियों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए शुरुआती तौर पर 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।